दबंगों से परेशान पूर्व सैनिक ने पुलिस अधीक्षक से लगाई मदद की गुहार। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा। बने रहे हमारे साथ छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दबंगों से परेशान पूर्व सैनिक ने पुलिस अधीक्षक से लगाई मदद की गुहार। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा की है, जहां पर एक पूर्व सैनिक ने अपने दबंगों से परेशानी, वहां के रहे दबंग से परेशान होकर पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। जिले के थानेपुर थाना अंतर्गत बिसंबरपुर निवासी सेनानिवृत्त सैनकर्मी के गांव के दबंगों से परेशान होकर तथा थानेपुर पुलिस के ढीला हवाली पूर्ण कार्यशैली से निराश होने के बाद पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बताते चले कि विशंबर पुत्र निवासी व सेनावृत सैनकर्मी राम लखन त्रिपाठी पुत्र दीनानाथ त्रिपाठी बीती रात लगभग 8 बजे अपने घर के अंदर खाना खा रहे थे कि तभी बाहर बातचीत करने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर बाहर निकला और पूछा कि कौन है, तो गांव के राकेश उर्फ इंस्पेक्टर राजेश उर्फ डॉक्टर पवन कुमार उर्फ गुड्डू व बब्बू पुत्र गण जगदीश प्रसाद पांडे मेरे परिसर से भाग गए और परिसर के बाहर लगे नीम के पेड़ के पास खड़े होकर भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। सेना में नौकरी कर रहे मेरे दो पुत्र तथा शिक्षा ग्रहण मेरे सबसे छोटे पुत्र के फर्जी मुकदमे में फंसवाने व परिवार के तबाह एवं बर्बाद करने की धमकी देने लगे, जिसकी सूचना डायल 112 को दिया गया। जब पुलिस पहुंची तो सभी लोग भाग गए। घटना की सूचना थानेपुर थाने के पुलिस को दिया, परंतु पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। दादा, क्या बात है, यहाँ पे किस लिए आए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में? मेरा नाम राम लखन त्रिपाठी है, मैं ग्राम बिशंभरपुर थाना दानेपुर गोंडा का निवासी हूँ। भारतीय थल सेना में 32 साल नौकरी करने के उपरांत मैं रिटायर्ड होकर के घर आया। मेरे दो बच्चे फौज में हैं, मैं अकेला घर पे रहता हूँ, एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है छोटा बच्चा। जगदीश प्रसाद पांडे के लड़के गुड्डू इंस्पेक्टर, उनके चार लड़के हैं यहाँ प्रेजेंट टाइम में। तो एक का नाम है राकेश उर्फ इंस्पेक्टर, मैंने इंस्पेक्टर नहीं है वो, लेकिन राकेश उर्फ इंस्पेक्टर उनका नाम है। दूसरे का नाम है राजेश उर्फ इंस्पेक्टर डॉक्टर, वो भी डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर की पदवी उनको मिली हुई है। पवन कुमार उर्फ गुड्डू व बब्बू पुत्र जगदीश पांडे, क्या बात है, ग्राम बिशंभरपुर के निवासी हैं, थाना धानेपुर के अंतर्गत ही आता है, गांव के ही हमारे। इन्होंने ये चारों व्यक्ति रात को 8:15 बजे, जो भी हमने जो देखा है वो 8:20-25 पे लगभग हम निकले, जब घर के अंदर से खाना खा करके तब इनको देखा। मेरा घर पे बाउंड्री है, बाउंड्री में गेट लगा हुआ है, छोटा गेट खुला हुआ था, ढका हुआ ऐसे, और बड़े गेट में ताला लगा हुआ था। मैं खाना खाने चला गया था बच्चों के साथ आंगन में, खाना खा करके वहाँ से निकला तो ये देखा कि ये चारों लोग अंदर थे। फिर मैं देखा कि कोई व्यक्ति है, तो मैं बोला, आवाज़ दिया, मैं बोला कौन है भाई, तो ये बोलते हैं कि हाँ निकल आया बहनचोद खाना खाने का, ऐसे गाली दिया। बोला कि सो रहा था साला, तो मैं खाना खा करके ही आया था। मैं बोला भाई सुनो सुनो क्या बात है, तो बोला है निकल बाहर मादरचोद बहनचोद, तेरी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब नाना प्रकार की गालियां देते हुए बाहर निकल गए गेट से। जब तक मैं हाथ धो करके नलके पर आना चाहा तब तक वो गेट से बाहर निकल गए। उनके हाथ में छोटे छोटे डंडे थे और कुछ धारदार हथियार भी ऐसे गड़ास जैसे था, मतलब जैसे और भी कुछ रहा होगा, मतलब हाँ कुछ भी रहा, मतलब दोनों के हाथ में था और डंडा भी लिए थे, दो के हाथ में डंडा था। फिर ये निकल गए और हमारा नीम का पेड़ है वहीं घर से थोड़ी दूरी पर, हमारा बाउंड्री वहाँ भी है, तो वहाँ ये खड़े होकर के और गाली देना शुरू कर दिया। फिर मैं बोला भाई छत पर मैं अपने चढ़ के देखा तो गाली दे रहे थे, मैं बोला भाई डकैती के पर्पस से आए थे, चोरी करने के लिए आए थे, क्यों भाग गए जब मैं बुला रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ, क्या है? ये बोले निकल मादरचोद, तो तुमको काट डालूंगा और घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, गेट से बाहर निकल। तो फिर मैं गेट को बंद कर लिया, रात भर नहीं निकला। इसकी शिकायत आपने रात को ही जैसे गेट बंद कर लिया, उसके बाद में 112 नंबर पर फ़ोन किया,
112 नंबर पर फ़ोन किया, पुलिस आई, तुरंत ही पुलिस भी आ गई थी। पुलिस आने के बाद में पुलिस को मेरा बयान लिया पुलिस ने, और उसके बाद में पुलिस चली गई उनके घर पे जांच के लिए। तो फिर वहां से लौट करके आई, पुलिस बताई कि वो नहीं, मेरे लड़के वहां नहीं हैं। उनके पिता से पूछा तो बोले लड़के नहीं हैं यहां। तो फिर वो वापस आ गई और मेरे को बोला कि अभी आप चलें। जी, पर आपने तहरीर दी? हाँ, तहरीर दिया। थाने पर सुनवाई हुई? थाने पर सुनवाई अभी तक कुछ नहीं हुई है। अच्छा, इसलिए आप यहाँ कप्तान? जी जी, कप्तान साहब के यहाँ हैं। कप्तान साहब से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? अपेक्षा यही कर रहा हूँ कि मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को कोई भी ऐसी मेरे साथ घटना ना हो, मेरे जान माल का रक्षा करवाएं और अपराधी को दंडित करवाएं। क्योंकि साहब हम यहाँ अकेले हैं, बच्चे हमारे सेना में हैं, तो हम घटना कभी भी अप्रिय घटना करने के लिए वो सक्षम भी हैं, और गुंडे बदमाश तो हैं ही वो।